डायरेक्टर आर बाल्की ने छुप के ट्रेलर के रिलीज के साथ ही बता दिया था कि यह फिल्म काफी अलग होने वाली है। सनी देओल और दुलकर सलमान की फिल्म को ओपनिंग भी जबरदस्त मिली। 23 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई चुप ने 3 दिनों में धांसू कमाई की है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र को भी चुप ने कड़ी टक्कर दी है। चुप के वीकेंड कलेक्शन की भी रिपोर्ट आ गई है, जिसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार वापसी की है। चुप ने सिनेमाघरों में पहले दिन ही काफी ऊंची दहाड़ लगाई। ओपनिंग डे पर 3.6 करोड़ रुपए की कमाई के साथ खाता खोलने वाली इस फिल्म ने रविवार को भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। साउथ स्टार दुलकर सलमान ने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया है। क्रिटिक्स ने भी फिल्म को अच्छे रिव्यू दिए हैं और चीनी कम और पैडमैन जैसी फिल्म बनाने वाले आर बाल्की ने तो इसे क्राइम थ्रिलर बनाने में भी जान लगा दिया। वीकेंड पर इस फिल्म ने कितनी कमाई की, इसके बारे में जानकारी देते हैं हम आपको। सनी देओल ने भी चुप के साथ लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। उनकी फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था, जो दूसरे दिन थोड़ी घटी और 2.7 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तीसरे दिन चुप के कलेक्शन में उछाल आया और फिल्म ने 2 करोड़ के करीब का बिजनेस किया। इसके साथ ही इसका टोटल वीकेंड कलेक्शन पहुंच गया है 7.13 करोड़ रुपए के आसपास। तो सनी देओल की फिल्म चुप ब्रह्मास्त्र को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।